और बड़ी खबर सिद्धि से मिल रही है, जहां रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है। डिप्टी रेंजर समेत 5 सदस्य टीम पर यह हमला किया गया है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया जो है वो फरार हो गए हैं। सोन नदी के डेउरा वीट का ये पूरा ही मामला, जहां रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। डिप्टी रेंजर समेत 5 सदस्यों पर यह हमला रेत माफिया द्वारा किया गया है। वहीं मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि रेत से भरी हुई है उसको लेकर माफिया यहां से फरार हो गया है। रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर माफिया जो है वो मौके से फरार हो गया है। और ये पहला मौका नहीं जब रेत माफियाओं की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर सामने आई। उससे पहले भी कई तरह के हमले जो हैं वो रेत माफियाओं द्वारा किए जा चुके हैं। और वहीं से ताजा मामला, जहां रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। डिप्टी रेंजर समेत 5 सदस्य टीम पर यह हमला किया गया। हरीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हरीश, रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा कि सीवी सिंगरौली का जो मेन बिंदु जो सोन नदी सड़क है, सोन नदी जो पुल है, वहां पास रेत माफिया जो है ट्रैक्टर से रेत निकासी कर रहे थे, जहाँ संजय टाइगर रिजर्व की टीम ने मौके पर पकड़ रखा था, जहाँ ग्रामीणों एक सैकड़ा से अधिक ग्रामीण और रेत माफिया मिल के संजय टाइगर रिजर्व टीम पर हमला भी किए हैं। उनकी मोबाइल में भी तोड़फोड़ किए हैं, कार्रवाई की है अब तक इस मामले में। जी, अभी आपको बताना चाहूंगा, जो ट्रैक्टर जो सोनगढ़ी वाला बेरंग के जो अधिकारी हैं, जो ट्रैक्टर जब्त किए थे, तो ग्रामीणों ने ट्रैक्टर भी कर लिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन अभी पुलिस ने भी किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की।